नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और आप देख रहे हैं मूड ऑफ द वोटर, यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या है जनता की राय। अब ये जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट और यहां से जानेंगे कि क्या है जनता के मुद्दे और क्या है लोकसभा चुनावों के लिए उनकी राय। 25 मई को मतदान है, 4 जून को रिजल्ट है। अब इसके लिए योगेंद्र चंदोलिया को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बना के उतारा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उदित राज को बनाया है। चुनावी रणभेरी बच चुकी है और अब जानना है कि क्या है इस बीच जनता की मुद्दे और उनकी राय। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट में अब हम पहुंच चुके हैं रोहिणी में, यहाँ पे लगता है निठाला विधानसभा क्षेत्र। जनता से जानने की कोशिश करेंगे क्या है उनकी राय, क्या है उनकी समस्याएं, मौजूदा सांसद से नाराजगी है या संतुष्टि, और अब जो समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए किस पर जताएंगे अपना भरोसा। तो अगर हम स्थानीय मुद्दों की बात करें, रहवासी लोग भी हमारे साथ में मौजूद हैं, स्थानीय मुद्दे क्या हैं यहाँ पे? स्थानीय मुद्दे, सबसे बड़ी बात तो आज तक सांसद को नहीं देखा हमने। 5 साल पहले वो पंजाब में मैंने सुना कोई सिंगर थे वो, और वो सिंगर का कमाल करते करते दिल्ली में आए, वो उन्होंने इलेक्शन लड़ा और माननीय मोदी जी के काल के अंदर और उनकी लहर के अंदर वो जीत गए। 5 साल तक आज तक वो चेहरा दिखा नहीं हमें। हम ढूंढ रहे हैं छलनी लेके, लेकिन वो बंदा नहीं निकल रहा हमें। खैर, वो टाइम चला गया उनका, अब एक नए आए चांदोलिया साहब और वो भी हुंकार भर रहे हैं, लेकिन हालात बहुत बुरे हैं। जमीनी स्तर पे हालात बहुत बुरे हैं, कोई काम नहीं हुआ 5 साल में, किसी टाइप का कोई काम नहीं हुआ। अगर काम हुआ है तो सिर्फ 2 ही चीजों पे हुआ है, झूठ और जुमलेबाजी पे। अब काम महिलाओं के, पार्टी ने महिलाओं के क्या मुद्दे? महिलाओं के ये मुद्दे हैं कि सब कहते हैं बीजेपी बीजेपी, बीजेपी ने किया क्या है आज तक यहाँ पे? कोई का पेड़ की छटाई नहीं हुई, कोई पार्क की सफाई नहीं हुई, कोई सड़क की सफाई नहीं हुई, एक भी नहीं हुआ है, एक भी नहीं, कहीं पे भी कुछ भी नहीं हुआ है, कोई सुनवाई नहीं होती, हमें तो पता ही नहीं होता था हमारे पार्षद कौन है। आज आप इस सेक्टर 16 में, और जो हमारे प्रदीप मित्तल जी का एरिया है, एक छोटे से बच्चे से पूछा हमारे पार्षद का नाम क्या है, वो बताएंगे प्रदीप मित्तल है। आप किसी से ही पूछ सकते हैं। लोकसभा चुनाव है, 25 मई को मतदान है, क्या रहेंगे मुद्दे? मुद्दे देखिए, स्थानीय मुद्दे, अभी बहन जी ने कहा कि पेड़ों की कटाई नहीं होती, पेड़ों की कटाई पार्षद का काम है, विधायक का काम है, लेकिन निगम में आज आम आदमी पार्टी की सरकार है, विधायक भी आम आदमी पार्टी का है पिछले 10 साल से। क्षेत्र में अगर विकास नहीं हो रहा तो वो आम आदमी पार्टी के नाकामी के कारण नहीं हो रहा। सांसद के जो कार्य हैं, देखो क्या होता है, जो आम व्यक्ति है उसको नहीं पता होता डेवलपमेंट का क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से काम होता है। कोई भी अगर सड़क नई का निर्माण होगा तो सांसद निधि से होगा, अन्यथा या तो पार्षद के उस अकाउंट से होगा या फिर एमएलए के हेड से होगा। कोई भी अगर नया काम अगर आम आदमी पार्टी का भी प्रतिनिधि लेके गया है तो हमारे पिछले सांसद जो थे उन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़ के काम किया है, सारे के सारे स्थानीय मुद्दों को कवर किया है। स्थानीय मुद्दे और क्या है लोकसभा चुनाव के लिहाज से? देखिए जी, स्थानीय मुद्दे तो जो विधायक के काम है या निगम पार्षद के काम है, जो पिछले जो मेन सांसद के कामों की बात करेंगे, जो अभी है ना उन बहन का जवाब दे रहा हूँ, छटाई का, जो छटाई अब सारे काम हो रहे हैं वो तो यहाँ के, लेकिन जो सांसद के काम है आज तक तो सांसद को हमने देखा नहीं। ठीक है जी, महंगाई मुद्दों की बात करो ना, बेरोजगारी मुद्दों की बात करो ना, जो आज गरीबी का कहां पहुंच गई है, मुद्दे की तो बात करनी नहीं है। बात यह है कि आज जब से मोदी सरकार आई है तब से महंगाई गरीबी और बेरोजगारी और लाइनों में लगने का काम करा है। नोटबंदी हुई, लाइनों में लगे किसान, हमारे 750 किसान बॉर्डर में मर गए, उनका किसी ने कोई ब्यौरा नहीं लिया। पहले मुद्दों की बात, महिलाओं के क्या मुद्दे जी? थोड़ा सुरक्षा का मुद्दा है हमारा, तो यहाँ पर बहुत फोन वोन चोरी हो जाते हैं, चेन वेन टूटती है। बाकी हमारे प्रदीप मित्तल जी बहुत अच्छा काम करे, हम सेटिस्फाई हैं। पार्क में 25 मई को जो है लोकसभा का चुनाव है, हम तो आम आदमी के साथ हैं। क्यों? क्योंकि हमें सीधा फायदा वही दे रहे हैं हर चीज में। क्या फायदा? मोहल्ला क्लिनिक बने हैं, हॉस्पिटल इतने अच्छे बने हैं, स्कूल इतने अच्छे बने हैं, हमें बसों में जाना आसान हो गया है कहीं भी, और हमें ठीक लगता है उनके साथ। चलिए और भी जानने की कोशिश करेंगे, और क्या महिलाओं के और क्या मुद्दे हैं? बहन जी, हमारे जो पहला निगम पार्षद थे विनोद महेंद्रू थे, यहाँ इतने कूड़े के, महिलाओं के क्या मुद्दे हैं? महिलाओं के, आप अपने घर की रसोई का है, रसोई हम महिलाएं संभालती है ना,
तो हर घर में। अरे भैया सिलेंडर कितना, सुनो ये सुनो मैंने बोला तुम्हें बोला तू, तुम्हारी बीवी यहाँ 10,000 का फोन रखती है, मान लो सिलेंडर महंगा हो गया तो आप चिल्ला रहे हो। मकान आपका 10,000 का था, सुन लो ना, मकान 25,000 का था, आज 1 करोड़ का हो रहा और है नहीं, आज भी 800 रुपए। सुनो सुनो, 800 कुछ रुपए का आ रहा सिलेंडर, 1100 का नहीं हुआ है। आप मुंदे मत भड़काओ, पर्ची मंगा लो, अभी तो आपके यहाँ है। अभी सुनो, ये तो महंगा तो होगा, जब काम होंगे तो महंगाई तो बढ़ेगी। अरे भैया महंगा तो होगा, महंगाई सुनो देखो, खाने पीने की कोई बात नहीं है, बात है हमारे यहाँ बच्चों की पढ़ाई के स्कूल के लिए। जबकि ये कह रहे हैं हमारे भाई आके, यहाँ का विधायक है, उसने क्या आज तक एक भी हॉस्पिटल खुलवाया क्या? कुलवंत राणा ने बनवाए थे, स्कूल भी उसने बनवाया था। अंबेडकर को मेडिकल में ज्वाइन करने वाला भी कुलवंत है। दूसरी बात, चंदौलिया जी हमारे 3 बारी निगम पार्षद रहे हैं, निगम के स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रहे हैं, मेयर रहे हैं वो दिल्ली में। आज भी उसने उसमें शाहबाद में 2 हॉस्पिटल छोटे छोटे खोल रखे हैं। तो चंदौलिया जी का काम मेरे से पूछो ना, मैं बताऊंगी। ऐसे ही 3 बारी कोई पार्षद, पहले मुद्दे बताइए, मुद्दे लोकसभा का चुनाव है और महिलाएं हैं पीछे, आपके क्या मुद्दे, आगे जाइए थोड़ा सा। मुद्दे बस यही है, महंगाई कम हो। अब ये देखो आप, मोदी जी जब सिलेंडर 400 का, जब 1200 का हुआ, उनसे कम करने को उन्होंने कहा था, ये मेरे उसमें नहीं आता अंडर में सिलेंडर के पैसे कम करना। और अभी जब 100 रुपए कम करे तो स्टेज पे आके कह रहे हैं मैं 100 रुपए कम करके, अरे जब तुम्हारे अंडर में ही नहीं था कम कर बढ़ाना, तो अब तुम कम कैसे कर रहे हो? तो सरासर झूठ, झूठ ही है ना ये तो। दो स्पीच आप देख लीजिए, तो आप इसी चीज़ से पता चल रहा है, जब वो स्टेज पे खड़े होकर बोल सकते हैं कि मेरे अंडर में नहीं है, फिर अंडर में नहीं है तो फिर कम कैसे करवा दिए? जब 2014 में हुआ था कह रहे थे 400 रुपए के सिलेंडर को नमस्ते करके जाना सब लोग, अब भी तो 800 रुपए के सिलेंडर को, 1100 रुपए के सिलेंडर को नमस्ते करके जाएंगे आप 400। और क्या मुद्दे? नौकरी काम भी कैंसी निकली, मेरी बेटी खुद ओरेज होगी, कोई नहीं निकली, ना टेस्ट ना कोई नौकरी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही लगी हमें, नौकरी तो रही है नहीं, वे कैसे गुजारा करे? लड़कियां भी हो चाहे लड़के भी हो, बिना नौकरी के बिना उस बिना बता, मैंने तो सबसे बड़ी यही दिक्कत लगी। पहले अल्ट्रासाउंड होता था, डॉक्टर कह देते थे 1 हफ्ते बाद होगा, इंसान का पेट आज दर्द है 1 हफ्ते बाद तो हो सकता है उसकी डेथ हो जाए। अब जब से यहाँ केजरीवाल जी आए हैं, आज अगर अल्ट्रासाउंड लिखा है ना तो कल प्राइवेट हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। मेरे 10 अल्ट्रासाउंड है, झूठ बात नहीं है, मैं आपका बिल आके दिखा सकती हूँ, जो आज डॉक्टर ने लिखा अगले दिन अल्ट्रासाउंड हुए हैं। तो बताइए ये कैसे नाकाम कह रहे हैं आप? कुछ कह रहे हैं, मैं कह रही थी ये नौकरी का मुद्दा कह रहे हैं केजरीवाल ने, ये जो लगाए थे ये मार्शल, ये लगाए थे कितने महीने, 2 साल 3 साल, अब वो सारे बच्चे हटा दिए। क्यों हटा दिए? मान लो उसने नौकरी लगाई है तो आप सारे क्यों हटा दिए मार्शल? किसी भी बस में मार्शल नहीं है, 12,000 एक बच्चे हटाए हैं, और जो बच्चे लगाए थे उसमें स्कूलों में वो बच्चे भी हटा दिए हैं। तो केजरीवाल ने कौन सा इनको बिजनेस दे दिया, किस किस के घर में दे दिया? सिलेंडर फ्री कहीं नहीं होता, एक सिलेंडर के लिए ले रहे हैं हम, ये बताओ। उज्ज्वला योजना में तो फ्री हो रहे हैं ना, एक मिनट, ये सेफ्टी की बातें करते हैं, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का एक नारा लगा हुआ है यहाँ पे। मणिपुर में नंगी लेडीजों को नगन घुमाया जाता है, पहलवानों को पिटवाया जाता है, महिलाओं की सुरक्षा कहाँ है मैडम? अभी हमारी बहन जी ने सवाल उठाया कि मार्शल हटा दिए गए, मार्शल हटा दिए गए। एक टारगेट होता है मार्शल का 1 साल का, उसके बाद में एलजी के बाद फिर फाइल जाती है। एलजी ने आज तक वो फाइल साइन नहीं करी, क्यों नहीं करी? मोहल्ला क्लिनिक की दवाई बंद कर दी, क्यों नहीं करी? क्यों नहीं मालूम है कि अरविंद केजरीवाल जी को परेशान कर रहा है, लेकिन जितना वो परेशान करेंगे वो उतना ऊंचाई पे जाएंगे। और क्या मुद्दे? एक मिनट, बात जो भी चल रही है आप, मैं एक बात कहती हूँ, 2014 से पहले हमें एक मोनी बाबा मिले थे पीएम के रूम में, जो ऐसे कोने में लग के खड़े रहते थे 24 घंटे, उनकी स्टैंप और कोई थी, कमान किसी और के हाथ में थी। मुझे एक बात बता दो, 2014 के बाद कहीं आतंकवाद हुआ है? 9/11 का कोई वो हुआ, बम विस्फोट हुए हैं, लड़के उस है? नहीं, पुलवामा नहीं हुआ, नहीं, सुनो, ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होता, पहले हमारे सैनिकों को पत्थर से भगा भगा के पीटा जाता था, भगा भगा के
हमारे सैनिकों को, आज हमारे सैनिकों को पूरी बागडोर हाथ में दे रखी है कि मौके पे करो, है ना, मौके पे करो। आज हमारे सैनिक है ना चौड़े होके बैठे हैं, चौड़े होके बैठे हैं, चौड़े के हमें नहीं चाहिए, हमें सुरक्षा मिली है, हमें सुरक्षा मिली है, हमें सुरक्षा मिली। चीन जैसे देशों को पैरों में ले आया, पाकिस्तान को अंदर घुस के मारा है, पाकिस्तान को अंदर घुस के मारा है, चीन जैसे को पैर में लिया, और आज आज उनके कारण हम विश्व गुरु बनने के पे है, विश्व गुरु बनने के कारण। अच्छा ये मैडम ये कह रहे हैं ना कोई मतलब ऐसे जो हमले नहीं हुए, 2019 में 46 पुलवामा में मारे गए बंदे, उनका एक भी बंदे ने फांसी हुई, एक आदमी पायलट चलेगा जहाज लेकर उधर चलेगा सर्जिकल स्ट्राइक। अच्छा मैं एक बात पूछता हूँ भाई साहब, मैं एक लोकसभा चुनाव के निमित्त इन सारे भाइयों से एक बात पूछता हूँ कि इनमें से बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं, इनके केजरीवाल जी दिल्ली या इस उत्तर पश्चिमी लोकसभा से कांग्रेस को उम्मीदवार उदित राज जी खड़े हैं, जो पिछले 2014 से 19 तक बीजेपी से थे, कांग्रेस में चले गए, जो केजरीवाल जी पूरे टाइम कांग्रेस को गाली दे देकर उनकी छाती पर चढ़कर सत्ता पे काबिज हुए, आज ऐसी क्या मजबूरी है इन लोगों की कि सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता। सर मुद्दों की बात कर रहा हूँ मैडम। तो आज क्या ऐसी क्या मजबूरी है जब कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष उस नैतिकता के आधार पर अपनी पोस्ट छोड़कर आ गए, आज क्या ये उस कांग्रेस के उसको सपोर्ट करेंगे जिसको ये गाली देते थे कि ये चोर है, आज उसी चोर की पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे, इनकी अंतरात्मा मानेगी उस बात को? देखिए मुद्दे बहुत हैं, इधर 10 साल की शासन हुई है मोदी सरकार की बीजेपी की, 2014 में जो जुमले से आ गए, 2019 में एक पुलवामा की वजह से आ गए, इस बार उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, मुद्दे आम जनता के पास है। शिक्षा पर बात करें, एक मिनट शिक्षा की बात करें, जो डेवलपिंग कंट्री होती है वहाँ शिक्षा पर बढ़ाया जाता है, इन्होंने घटा दिया, 2.9% उसमें दे रहे हैं उनका वित्त का। दूसरा महंगाई पर है, महंगाई चरम सीमा पर, चाहे कोई भी यहाँ चीज ले लीजिए सभी महंगाई पर है। तीसरा सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, रह गया नौजवान को नौकरी है, किसानों को यहाँ पर आके जान गंवानी पड़ती है। जो सरकार काम करेगी हम उसको वोट देंगे, ठीक है जी। और क्या विकास के अलावा, बेरोजगारी, रोजगार मिल रहा है नहीं मिल रहा है, स्टार्टअप योजना काम कर रही है नहीं कर रही है? मैं उन लोगों को ये बताना चाहूंगा जो लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं है, रोजगार सरकार किसको दे? जो एक ग्रेजुएट है जिसके अंदर स्किल सेट नहीं है उसे रोजगार कहाँ से मिलेगा? हिंदुस्तान में सिर्फ दो तरीके के लोग हैं जो बेरोजगार हैं, पहला वो जो सरकारी नौकरी के चक्कर में घर बैठ के अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दिए जा रहा है, और दूसरा वो जो सिर्फ इंतजार करता है कि कब सरकार मेरे लिए स्कीम्स निकालेगी। और अगर मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे अंदर स्किल सेट नहीं होगा तो सरकार मुझे कहाँ से नौकरी देगी? कैसे सरकार में क्या पकौड़े बेचने वाला रोजगार नहीं बनाता है? सारे नौजवान क्या पकौड़े बेचने लग जाएंगे? अगर कोई पकौड़े बेचने वाला है उसकी महीना की तनख्वाह 1 लाख रुपए है, कोई पकौड़े बेचने वाला कोई नहीं, क्या सब लोग चाय और पकौड़े बेचने लग जाएंगे? तो ग्रेजुएशन के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई के लिए स्कूल कॉलेज खोलने पड़ेंगे, स्कूल कॉलेज तो खोले नहीं है, पूरे देश में कुछ भी काम नहीं किया, लेकिन दिल्ली में कुत्ता पोटी भी कर रहा है तो मोदी जी उस पे बोलेंगे, पर पूरे देश में चाहे किसी को नंगा घुमाया जा रहा हो, चाहे किसी के साथ कुछ भी हो रहा हो, उस पे मोदी जी कभी कुछ नहीं बोलेंगे। बात हो रही है कि किसका कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या है, उसमें मंगलसूत्र बीच में कहां से आ गया? तो ये गंदी राजनीति, धर्म की राजनीति, स्कूल पे बात करो, कॉलेज पे बात करो, शिक्षा पे बात करो, हॉस्पिटल पे बात करो, देश के विकास पे बात करो, ये कोई तरीका नहीं है। एक परिवार एक बच्चे को पढ़ाने के लिए 20 लाख रुपए खर्च करता है, बचपन से लेके उम्र उसकी बच्चे की उम्र, आई मेरे बेटे ने IIT क्लियर करी, अब वो बैंगलोर में जाएगा, 2.5 लाख फीस है, वहाँ रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा सब होता है ना, तो वो क्या मोदी जी दे रहे हैं मुझे? वो क्या मोदी जी दे रहे हैं मुझे? पर मैंने अपनी बच्चे की पढ़ाई पे खर्च करा, और आप कह रहे हो बच्चा पकौड़ा बेच ले, क्यों बेच ले? मैं ये नहीं कह रहा पकौड़ा बच्चे, अगर आपका बच्चा तुम्हारे अंदर में कोई
कंपटीशन करने की बात नहीं है तो नहीं कर सकते आप। कोई बच्चा कोई ऐसे भले ये जो इतना ही पढ़ा लिखा है, आप मेरी बात सुनिए, जब बच्चा कितना ही पढ़ा लिखा हो अगर उसके अंदर स्किल्स नहीं होगी, जैसे मैं मान लीजिए मैं पढ़ा लिखा ग्रेजुएट हूँ, मैं कहीं जॉब के लिए अप्लाई करने जाता हूँ तो वहाँ ये लोग ये नहीं देखेंगे कि मैं डिग्री कहाँ से लेके आया हूँ, वो लोग ये देखेंगे कि मैं काम कर पा रहा हूँ कि काम नहीं कर पा रहा हूँ। पर उस पढ़ाई के लिए, उस डिग्री के लिए जो टैलेंट, जो कैपेबिलिटी होनी चाहिए उसके लिए स्कूल कॉलेजेस, जो एजुकेशन पे काम होना चाहिए, जो बजट पास होना चाहिए, वो नहीं है। एलिमेंट्री एजुकेशन है वो आज से नहीं, वो बहुत सालों से फ्री है। और एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर ये सब पिछले 10 सालों में जब से मोदी जी है तब से उन्होंने क्या इम्प्रूवमेंट किया उसके अंदर, क्या चेंजेस हुए बताइए ना। मेरी बात सुनिए, पहले सिर्फ 5 मेट्रो सिटीज के अंदर मेट्रो थी, आज 20 सिटीज के अंदर है। पहले सरकार ये शिक्षा मिलनी चाहिए, हॉस्पिटल बनने चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कभी भी 10 साल में हमारी सरकार ने जो है वरिष्ठ नगरों की रेल की सुविधा छीन ली, जो है पिछले 10 साल में शिक्षा, न्याय और स्वास्थ्य पे जो है मेन काम जो है होना चाहिए, जो है शिक्षा, न्याय और स्वास्थ्य जो है हम लोगों को चाहिए, जो है मेन मुद्दा ये है जो है। ठीक है, और मुद्दों की बात करिएगा, क्या मांगे हैं सरकार से, क्या मुद्दे हैं? सरकार से जो सबसे प्रथम मुद्दा है कि देश के नागरिकों को जो सुरक्षा जो मिली है, सुरक्षा के साथ जो उनको रोजगार चाहिए, उनको चाहिए कि महंगाई कम हो, पेट्रोल के दाम जो अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम गिर रहे हैं लगातार, तो भारतीय बाजारों में भी, भारतीय खुली अर्थव्यवस्था में भी आम जनता को उसका फायदा मिलना चाहिए। अगर रशिया से हम बहुत कम दाम में तेल खरीद रहे हैं तो उसका फायदा आम जनता को मिले, गैस सिलेंडर कम हो, जहां आप देखेंगे कि भारत की जो आय है वो पिछले 10 सालों में 194% बढ़ी है, वहीं भारत के ऊपर जो कर्जे हैं वो 274% बढ़े हैं। तो आय से दूनी अगर डबल रफ्तार में अगर कर्जे बढ़ रहे हैं तो फिर ये कर्जे चुकाएगा कौन? हमारे बच्चे चुकाएंगे, क्योंकि वो कर्जे आज के लिए नहीं लिए गए। तो ये जो बढ़ता लगातार जो बढ़ते स्तर पर जो कर्जे हैं, ये कर्जे कहीं ना कहीं हमारी भविष्य की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएंगे। ये एक बबल क्रिएट हो रहा है अर्थव्यवस्था में, एक बड़ा बबल है जहां पर हम इंफ्रा के स्ट्रक्चर के नाम पर कर्जे तो लिए जा रहे हैं, बुलेट ट्रेन के नाम पर कर्जे तो लिए जा रहे हैं, लेकिन इसके पैसे कौन चुकाएगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। और क्या मुद्दे सर? मुद्दे जी कुछ नहीं है, महंगाई और मुद्दा कुछ भी नहीं है, कभी महंगाई कोई मुद्दा रहा ही नहीं, महंगाई हमेशा बढ़ेगी गवर्नमेंट कोई भी आए। मुद्दा है सुरक्षा का, आज हमारा देश विश्व पटल पर तीसरे स्थान पर आता है, रक्षा क्षेत्र में हमने बहुत आज विकास किया है, हम हर साल नए लड़ाकू विमान खरीद रहे हैं, राफेल आए हैं, उनका कोई मुद्दा यहाँ पे क्यों नहीं उठा रहा है? वो फर्क नहीं पड़ता उससे कुछ, अगर पाकिस्तान हमसे कितना डरता है, उसकी हिम्मत नहीं है कि हमसे आज वो मुकाबला कर पाए, इतना ही बहुत है हमारे लिए और कुछ नहीं। ठीक है, हमें सिलेंडर 2000 रुपये का हो जाए हम लेंगे, पेट्रोल 200 रुपये का हो जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारी जमीन भी 2 करोड़ रुपए की होगी जो 20 लाख रुपए की थी। जो कल ये कह रहे थे कि अरब हम राम मंदिर नहीं बनाएंगे कांग्रेस वाले, क्योंकि अरब देश हमें तेल देना बंद कर देगा, आज अरब में भी राम मंदिर बना हुआ है, इससे बड़ा उदाहरण और क्या दे हम मोदी का है? और मुद्दों की बात करूंगी मैं, और क्या मुद्दे? मैडम देखिए, ये मंदिर बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मंदिर से किसी का पेट नहीं भरता। मेरा मुद्दा है कि रोजगार जो है ना, मेन मुद्दा हमारे देश के अंदर जो रोजगार है, बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है इस टाइम जो है, कि आप नॉर्मल किसी आप मिडिल क्लास के पास जाएंगे ना, पढ़े लिखे इंसान को भी नौकरी नहीं मिल रही, जिसके अंदर काबिलियत है उसको नौकरी नहीं मिल रही। तो मेरा मेन मुद्दा रोजगार के लिए है कि रोजगार क्यों नहीं दिए जा रहे, तो रोजगार की वजह से इस बार जो है ये पार्टी चेंज करेगी, पब्लिक इसमें बदलाव लाएगी बस। और सबसे बड़ी बात कि मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख रुपए दूंगा, वो 15 लाख रुपए आज तक नहीं आए हमारे खाते, मेरे खाते में तो आए नहीं जी, आए भी नहीं अभी तक। तो सबसे पहली बात है कि जो मोदी जी ने कहा है 4 साल की नौकरी करी दो आर्मी वालों की, उसमें क्या करेगा आर्मी, 4 साल के बाद रिटायरमेंट है, वो उसकी पेंशन भी खत्म कर दी, उसकी भी पेंशन, उस लोग को तो कोई मुद्दा उठा ही नहीं रहा, 4 साल की पेंशन वो करेगा, उसे रिटायरमेंट के बाद कोई पेंशन नहीं कुछ नहीं, उसका क्या करें बताओ क्या करें? और महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं, और महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे मैं बात करूंगी, इनके मुद्दे जानने की कोशिश करूंगी। डालने जाएंगे हम, किन मुद्दों को लेके संतुष्टि है, नाराजगी है? नहीं, संतुष्टि हमें है, हम जिसके लिए जो हमारे लिए करता है उसके लिए हम वोट डालेंगे, जो अच्छा करेगा, जो हमारे लिए लेडीजों के लिए जो फैसिलिटी देगा उसके, हमारे लिए केजरीवाल फैसिलिटी देते हैं उनके हम वोट डालेंगे, हमारे स्कूल बनाए, शिक्षा दिए, अच्छे स्वास्थ्य हॉस्पिटल में कर रहे हैं, दवाइयाँ फ्री मिलती है, टेस्ट फ्री होता है,
और क्या सीसीटीवी कैमरा है और लेडीज के लिए बस फ्री है, तीर्थ यात्रा करवाते, इससे बेस्ट कौन प्रधान मुख्यमंत्री आएगा? आज तक हुआ ही नहीं कोई, न होगा। अब तो प्रधानमंत्री बनाने किसको बनाना है? इस बार तो कांग्रेस का और आपका ये गठबंधन है, यही आएगा। क्या मुद्दे क्या है? मुद्दे महिला सुरक्षा है। मणिपुर में इतना कुछ हो गया, किसी ने सुध ली आज तक? उत्तर पश्चिमी दिल्ली के क्या मुद्दे हैं? इतने घोटाले हुए हैं, इनका कोई खुलासा हुआ? जो भी आता है सब करप्ट, जितने भी बीजेपी वाले सब धुल के बाहर आ जाते हैं, यही वाशिंग मशीन रह गई। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के क्या मुद्दे? पश्चिमी दिल्ली के मुद्दे यही है, महिला सुरक्षा होनी चाहिए। महंगाई कहाँ से कहाँ बढ़ गई, कुछ इन्होंने कुछ करा आज तक? विदेशों में घुमा लो बस, और कुछ नहीं। और जानने की कोशिश करेंगे, काफी लोग यहाँ पर मौजूद है बीच में हमारे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। हाँ, क्या मुद्दे सर? लोकसभा के चुनाव में जो पिछले हमारे एमपी रहे, हमने तो कभी उनके दर्शन करे नहीं आज तक। अब नए हमारे एमपी जो आ रहे हैं, उनसे उम्मीद है कि कुछ लोगों का विकास किया जाए, यहाँ के हॉस्पिटल किए अच्छे बनाए जाए, जो उनके काम है, बड़े बड़े काम होते हैं एमपी के, वो काम किए जाए। और ये जो हिंदू मुस्लिम वगैरह, इससे नफरत फैलाने की राजनीति ना हो और विकास पर काम किया जाए, लोगों के भले के लिए काम किया जाए, न कि नफरत के लिए काम किया जाए। आज तक जो भी मोदी जी ने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं, बहुत हुई महंगाई की मार अब के बार मोदी सरकार, तो वो कुछ नहीं हुआ। और क्या मुद्दे हैं, और क्या मांगे? जो बीजेपी के लिए इतना सारा ये सब कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं अपने घर के मुद्दे बताती हूँ। मेरे तीन भाई इस टाइम मणिपुर में हैं, मिलिट्री में हैं, वो मौत के मुंह बैठे हैं, वो ऐसे छुपके रहते हैं। क्यों? गवर्नमेंट सरकार जो केंद्र में मोदी जी की सरकार है, उनके लिए क्यों नहीं कर रही है? जिनके घर के सैनिक है ना, उनको पता कि सैनिकों के साथ क्या हो रहा है। मेरा भांजा लास्ट ईयर हिमाचल पुलिस में गाड़ी पलटती है, उसमें नदी में जाके गिरते हैं, अनुराग ठाकुर जी गए हैं, उसको बोलते हैं जॉब देंगे, उसकी मिसिज को बोलते हैं जॉब देंगे, मेरी बहन को बोलते हैं, आज तक कुछ नहीं मिला। ये खाली इनके जुमलेबाजी हो रही है। जब आप बताओ, जब हमारे काम नहीं करते हैं तो आप ये बताओ हम कैसे विश्वास करें उनके ऊपर? गरीब लोगों को राशन फ्री, जो वैक्सीन आई है कोरोना के टाइम पे, से बच्चों को ले आए मोदी जी, विदेशों से अपने नागरिकों को निकाल के सुरक्षित ले आए। दो देश अगर अपना युद्ध रोक सकते हैं तो वो उस ताकत का नाम नरेंद्र मोदी है। अपने देश के लिए क्या बताओ, अपना देश के लिए तो कुछ है नहीं, अपने अपने जवानों के लिए कुछ किया नहीं, दूसरे देशों के लिए देख रहे हैं, वहाँ से निकाल रहे हैं, ये जुमलेबाजी है। प्रधानमंत्री ने दो दो सर्जिकल स्ट्राइक की है, उस प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी है, जो देश के अंदर मुफ्त बिजली दे सकता है, जो देश में मुफ्त राशन दे सकता है, काफी मुद्दे सुन लिए और काफी लोगों से बातचीत की, जानने की कोशिश की कि क्या उनके मुद्दे हैं। अब 25 मई को मतदान है और उसी दिन तमाम जो प्रत्याशी यहां पे खड़े हुए हैं, इंडिया गठबंधन के तहत उदित राज कांग्रेस पार्टी से, तो वहीं योगेंद्र चंदौलिया बीजेपी से। अब इनकी किस्मत तो 25 मई को कैद हो जाएगी और 4 जून को नतीजा आएगा कि क्या किस्मत का पिटारा किसका खुलने वाला है। फिलहाल मूड ऑफ द वोटर में इतना ही। कैमरामैन गोपाल के साथ जी मीडिया के लिए शिवांगी द्विवेदी।